जम्मू कश्मीर सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर आज कश्मीर घाटी के तीन बड़े नेता सरकार के ऊपर बरस पड़े। बरसे ही नहीं बल्कि तीनों नेता जबरदस्त गुस्से में नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले केंद्र सरकार पर किए, राज्य सरकार पर किए और कहा कि हैरानगी की बात यह है कि अगर आपने एनक्रोचमेंट्स हटानी है, अवैध कब्जों को हटाना है, तो उसका तरीका यह है कि आप पहले नोटिस दें, नोटिस देने के बाद लोगों को वक्त दें जवाब देने का। अगर वो नहीं साबित कर पाते अपनी कि जमीन के ऊपर अपना कब्जा, अगर वो नहीं साबित कर पाते जमीन के ऊपर अपने मालिकाना हुकूक, तो जाकर आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती दो कदम आगे चली गई और न जाने क्यों उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अफगानिस्तान में तब्दील कर दिया है बिल्डोजर का इस्तेमाल करके, जिससे वो गरीबों के घर तोड़ रहे हैं। हर मामले में अफगानिस्तान का नाम लेना हैरान करता है, अफगानिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ना भी हैरान कर देता है। लेकिन चलिए, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क का नाम लेना जो है वो बहुत आसान हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर व्यवहार कर रही है कश्मीर में और बाकी पूरे देश में। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ममता बनर्जी से, एमके स्टालिन से, नीतीश कुमार से कहती हूं कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए और इस ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो जो बहुसंख्यक समुदाय है उसे वेपनाइज कर रही है और वेपनाइज करके संविधान को बुलडोज करने का काम कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी वो टैक्टिक्स कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है जो फलस्तीन में इसराइली कर रहे हैं, उससे ज्यादा बदतर टैक्टिक्स जो है बीजेपी कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी बात की और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर मैं ट्वीट करता या एक स्टेटमेंट जारी करता उससे बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। सच क्या है कोई भी नहीं जानता। अवैध कब्जाधारियों की लिस्टें आती हैं और स्टेट सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे को लेकर अवैध कब्जाधारियों की लिस्टें आती हैं। उन लिस्टों में मेरा घर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है, राजभवन है, अन्य कई और जगहों के नाम हैं उसमें। हमारा घर उस लिस्ट में है, उस जिस घर की एक्टिव लीज है, यानी अभी भी उसकी लीज जो है वो जिंदा है, लेकिन उस लीज के होने के बावजूद मेरी जो बहन है वो हाईकोर्ट गई उस मामले में और उन्होंने कहा कि ऑर्डर आने वाला है हाईकोर्ट से। हैरानगी की बात ये कि उमर अब्दुल्ला को ये नहीं मालूम कि उनकी बहन जिस मामले को लेकर कोर्ट में गई थी उस मामले में जब उनको हकीकत का पता चला तो उन्होंने अपना पिटीशन विड्रॉ किया है, जो सरकारी पक्ष ने हमें जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी वकील ने वहां पर हाईकोर्ट में स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि लिस्ट जो पब्लिक डोमेन में है वो नकली है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि किस बुनियाद पर ये डिमोलिशंस हो रही हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, मीडिया को पहले जानकारी दी जाती है लेकिन जिनका जिनके घर पर बिल्डोजर चलना है उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा यहां पर लोग हैं जिनके पास एक्टिव लीज है, प्रॉपर्टी लैंड है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहां भी बुलडोजर जाता है, उनके यहां भी तोड़फोड़ की जाती है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा क्या कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है, नोटिस जो है उसे लिखा जाना चाहिए, उसकी एक रसीद दी जानी चाहिए और अगर नोटिस नहीं मिलता वो उस जिस जगह को आपने तोड़ना है उसके ऊपर आपने नोटिस लगाना है। क्या हम एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिस समाज में कोई कानून नहीं है? और उसके बाद उन्होंने ये कहा हर वो शख्स जो इस बुलडोजर एक्शन को सवाल उसके ऊपर खड़े करता है उसे फौरन बुलडोजर की धमकी दी जाती है। उन्होंने ये कहा कि ये इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि इसके कारण जबरदस्त करप्शन हो रहा है, जमीन पर जो स्टाफ काम कर रहा है वो पैसा ऐंट रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते सरकारी जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं, हम उसके खिलाफ है, हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो लेकिन कार्रवाई किसी जाब्ते के तहत हो। उन्होंने कहा जो एनक्रोचर है उनकी लिस्टों को आप पब्लिक कीजिए, आम जनमानस के बीच में डालिए, 4 से 6 हफ्ता उनको मौका दीजिए कि जो उनके क्लेम्स हैं वो उसको सब्सटेंशिएट कर सकें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जो अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं उनको आप नोटिस दीजिए और उसके बाद एनक्रोचमेंट अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनको वक्त दीजिए। सरकार का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, उनका काम है जख्मों को मरहम लगाना। उन्होंने कहा एक स्कीम बनाई जानी चाहिए ताकि इन पोजीशंस को रेगुलराइज किया जा सके।
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार के लिए, सरकार को इसका फायदा होगा। हमने इसको दिल्ली में देखा है। और उन्होंने ये भी कहा इस मामले का कह नहीं सकता मैं कि ये जम्मू कश्मीर में चुनावों से जुड़ा हुआ है, मुझे ये भी नहीं लगता कि ये मामला जो है चुनावों में इसकी वजह से कोई शोर हंगामा होगा। और उसके बाद ये भी कहा कि अपेरेंट इम्बैलेंस है डिमोलिशंस में और आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन हमने ठीक समझा कि उससे पहले कि हम इसको लोकसभा में उठाएं हम आम जनमानस के बीच में भी जाएं। उन्होंने कहा किसी भी सरकार का पहला काम बुलडोजर चलाना नहीं होना चाहिए। उसके बाद और सजाद लोन ने भी इसी इविक्शन ड्राइव को लेकर कहा कि इस ड्राइव में कुछ फायदे हो सकते हैं लेकिन हर एक काम कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कोई ऐसा दिन नहीं है जब ऐसी तस्वीरें नहीं आती जिन तस्वीरों में गरीब लोगों को निशाना बनाया गया है वो वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या आप हमसे जमीन छीनना चाहते हैं या आप हमें जलील करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि महसूस ये होता है कि जमीन हमसे छीनना नहीं बल्कि जलील करना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उन्हें वही करना चाहिए जो पूरे देश में वो कर रहे हैं। क्या वो बाकी देश के हिस्सों में भी जमीन इसी तरीके से जमीन लोगों से छीन रहे हैं? और उन्होंने कहा मैंने सोचा था प्रधानमंत्री सबके लिए है लेकिन 95% जो कब्जाधारी बताए जा रहे हैं वो मुसलमान बताए जा रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री कौन है? गरीबों का प्रधानमंत्री कौन है? और उन्होंने ये कहा कुछ एक अफसर हैं जो अपने कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं। और उन्होंने कहा कि ये अफसर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट हैं, ये पर्यटक हैं, यहां पर वो यहां से चले जाएंगे और उसके बाद जो उसका नुकसान होगा उसके बाद जो नतीजे निकलेंगे उन नतीजों को हमें भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि ये जगह, इस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट है, हम शांति चाहते हैं, हम लोगों की जिंदगी में अशांति नहीं चाहते। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर फैसले नहीं ले सकते, कोई बहादुरी नहीं है डिमोलिशन करना, हम प्रधानमंत्री को से मिलने इस मामले में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा इसमें गरीबों को नुकसान हो रहा है और मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि ताकतवर लोग एक वकील खरीदेंगे और उन्हें उनकी जमीनें वापस मिलेंगी लेकिन गरीब लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा इससे ज्यादा बेबस मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी उन लोगों की लिस्ट है जिनके पास कई कनाल जमीन है, कुछ जम्मू में है, कुछ कश्मीर है, कश्मीर में है, लेकिन किसी को भी नोटिस इशू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम लोग, अगर लोगों के सरों पर छत नहीं है, लोगों के सरों पर छत देना है, लेकिन हमारे पास यहां पर एक नया मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है जिस मॉडल में लोगों के सरों से छत छीनी जा रही है। उन्होंने ये कहा अगर राजनीतिक दल इकट्ठा होकर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोक सकते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी तीनों बड़े नेता महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन बरस पड़े आज केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर और कह दिया कि ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये सारी तोड़फोड़ की कार्रवाइयां जो लोगों के खिलाफ की जा रही हैं, इन तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे आम जनमानस परेशान होगा, इससे आम जनमानस की परेशानियां बढ़ेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तारगामी ने भी इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूं। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने भी इसी चीज को लेकर बात की है और कहा है तारगामी ने कि ये आम लोगों को परेशान करने के लिए हैं और इसके कारण लोगों के बीच में डर और खौफ का माहौल है। इस डर और खौफ के माहौल को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि इस तरह की ड्राइव को रोका जाना चाहिए और आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। साफ तौर पर कश्मीर के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए हैं और तमाम नेता एक जुबान होकर ये बात कह रहे हैं कि अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोकने के लिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़ा तो हम जरूर उतरेंगे।